आपको भी जानना है कि कैसे अपने प्रोफाइल पे बस एक बटन को दबा के 20 लाख लाइक गेन करने हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड पे भी आप अपने आप को फ्री में टेलीपोर्ट करा सकते हो, और ये सिर्फ 1% लोगों को पता है। फ्री फायर मैप पे बहुत सारे जगह में फ्री में लूट मिल रहे हैं, पर सिर्फ 1% लोगों को पता है, और अब वो आप हो सकते हो। आज तक लैंडमाइन का आपने बहुत सारा यूज करा होगा, पर ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि लैंडमाइन के और कितने यूज करे जा सकते हैं। पंकज, आप सब देख रहे हो शैडो, तो चलिए शुरू करते हैं। मशरूम सीएस में रिफंड नहीं होता, इसको तो देखना पड़ेगा। ये वाले जगह पे हम लोग सीएस का एक राउंड जीत चुके हैं, और ये देखो दूसरा राउंड हो चुका है स्टार्ट। और इस वाले जगह पे मैं वही चीज को ट्राई करने वाला हूँ जो भैया ने अभी अपने को बोला है। चलो पहले ना अपन इधर से Mag 7 या क्या खरीदे, Mag 10 ही खरीद लेते हैं, ठीक है। चलो मैंने गन खरीद लिया, और मेरे पास बस एक मशरूम खरीदने का ऑप्शन बचा है। मैं इसको जब बैक करता हूँ तो गन तो मेरा रिफंड हो गया, पर भाई ध्यान से देखो मेरा मशरूम रिफंड नहीं हुआ। एक बार खरीदने के बाद वो मेरे पास परमानेंट रुक जाता है यार, ये मशरूम का सीन। तो बात तो तुम्हारा बिल्कुल शॉर्ट का सच है यार, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्मड। रॉकेट लॉन्चर से लैंडमाइन एक्सप्लोड नहीं होता। अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो देखते हैं। इस चीज को ट्राई करने के लिए बरम्यूडा के बेमा शक्ति के ऊपर हमने लगा लिए 2 लैंडमाइन को साइड बाय साइड, और देखो यहाँ पर वही चीज को अपन करने वाले। देखो 2 लैंडमाइन लग गए, और इसको ना अपने को मारना है लॉन्चर से। हाँ, लॉन्चर वही जो छोटू सा लॉन्चर है ना उसको। और यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई तो कर रहा हूँ, पर भाई ध्यान से देखो ये बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। लैंडमाइन जैसा का था वैसा ही है, और इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है। मैं इसको नीचे ऊपर 2 तरीके से 2 साइड से अटैक कर चुका हूँ, पर लैंडमाइन का कुछ भी नहीं होता। बात तो तुम्हारा सॉर्ट का सच है, हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। ट्रेनिंग ग्राउंड का बाय मशीन पे के कैरेक्टर की एबिलिटी नहीं है, फ्यू पीपल नो। इसको तो देखना पड़ेगा। इस चीज को ट्राई करने के लिए हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और अगर आप ध्यान से देखो तो इस बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पे फ्री फायर के ऑलमोस्ट सारे के सारे कैरेक्टर की एबिलिटी स्किल दिख रहे हैं, बट मुझे केक एबिलिटी कहीं पर नहीं दिख रहा है। हाँ यार, बात है तुम्हारा सॉर्ट का सच है, हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप 1 सोनिया लो, स्टेप 2 ट्रेनिंग ग्राउंड के बैटल जोन में जाओ, स्टेप 3 जब कोई एनिमी आपका सोनिया चार्ज करे तो उसे मार दो, आप टेलीपोर्ट हो जाओगे। अच्छा, नया टेलीपोर्ट होने का निंजा टेक्निक है, चलो ट्राई करते हैं। चीज को ट्राई करने के लिए मैं अपने दोस्त को ही ट्रेनिंग ग्राउंड पे लेके आ गया, और उसको बोला डैमेज देने को। जब उसने मेरा सोनिया एक्टिव करा उस टाइम मैंने उसको दे डाला, और देखो मैं एक जगह से दूसरी जगह को टेलीपोर्ट हो गया। बात तुम्हारा सॉर्ट का सच यार, आप लोग भी ट्राई करना ट्रेनिंग ग्राउंड पे, आप एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर टेलीपोर्ट हो सकते हो, ठीक है। एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। गेम पे न्यू वॉइस मैसेजेस आए हैं, उसको हिंदी पे सुनो, बहुत मस्त है। वैसे तो अपने हिंदी के वॉइस मैसेज बहुत ही ज्यादा करारे लगते हैं, पर ऐसा नया वॉइस मैसेज में क्या नया है वो देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो क्विक वॉइस मैसेज में इंग्लिश में ये रहे अपने न्यू वॉइस मैसेजेस। प्लीज नो, मेडे मेडे, योर हीरो हैज अराइव्ड। Keep climbing, pal. Almost. Think you can make it out alive? English तो सही थे, पर अपन अभी सुनते हैं हिंदी वालों को। लगता है तुम इसमें जान फूंक सकते हो। भाइयों, तुम्हारा हीरो आ गया है। पागलपन मेरे खून में है। अरे बात तुम्हारा सॉर्ट का सच है, हिंदी में वॉइस मैसेज को सुनने का मजा ही अलग है। और ये न्यू वाले वॉइस मैसेज क्या आपने सुना है, हाँ या ना, नीचे मुझे कमेंट बताना। और हाँ, बात तुम्हारा सॉर्ट का सच है, ये सच में बहुत ज्यादा करा रहे हैं, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। किसी के प्रोफाइल इंस्पेक्ट करो, इसके गिल्ड लीडर को इंस्पेक्ट करो, देन इसको लाइक करो, फिर मैजिक। अच्छा चलो देखते हैं। वैसे ऐसा एक ट्रिक हमने कुछ दिन पहले करा था, और उसमें एक बवाल सा मैजिक हुआ था, क्या वो ट्रिक अभी भी काम कर रहा है वो देखना पड़ेगा। चलो बिना देरी के हम आ चुके हैं वही मैजिक को ट्राई करने। ईवा प्रथम के अकाउंट पे मैं आ चुका हूँ, और इसके 55,233 लाइक्स है। चलो ट्रिक को अप्लाई करते हैं। इस बंदे के मुझे गिल्ड के लीडर वाले सेक्शन में जाना है। चलो गिल्ड लीडर इसका कौन है मेरे को शो तो नहीं कर रहा है, बट भाई साहब उसके अकाउंट में 20 लाख लाइक है। चलो मैंने उसको लाइक कर दिया। वेट, ये क्या हुआ, वो सारे के सारे लाइक अभी ईवा प्रथम के अकाउंट में आ गए। भाई ये तो कम्प्लीटली मैजिक है, अमेजिंग है। और वैसे ये ट्रिक ना बहुत दिन से काम कर रहा है, आप लोग भी जाके ट्राई करो और अपने प्रोफाइल पे लाइक बटोर लो, ठीक है। अगर आपके गिल्ड के लीडर के पास अगर उतना ज्यादा लाइक होगा तो आप भी बटोर सकते हो, ठीक है। जाओ ट्राई करो एंड मजे करो, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। फर्स्ट ऑग गन शो इन लॉबी करो, स्टार्ट करो, एनिमी को मारो, ऑग लेवल अप करने का ट्राई करो, नहीं होगा प्लीज ट्राई। वैसे कौन सा मोड स्टार्ट करने का वैसे तो नहीं बोला, चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग मोड के अंदर, और इस वाले जगह पे चलो एक बंदे को करते हैं खत्म।
खत्म और येलो वाइप काम खत्म। अंधे को मारने के बाद मेरे को यहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन आ रहा है। मैं जब इसको अपग्रेड करता हूँ तो ये इजीली अपग्रेड हो जाता है। मुझे नहीं लगता बात आपका इधर काम कर रहा है। एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड। फ्लैग इमोट करते हुए कुछ उठाओ जादू देखो। अच्छा इसमें कुछ जादू है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से चल पड़े क्लैश कॉर्ड मैच के अंदर और इस वाले जगह में मैं लगा रहा हूँ झंडा इमोट और मैंने नीचे पढ़ा है डबल यूएसपी। पर यहाँ पे यूएसपी 2 को मैं झंडे के साथ उठा तो रहा हूँ पर वैसा कुछ मैजिक तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा। भिड़ू इधर ध्यान से देखो, झंडा लगाया, गन उठाया, कुछ नहीं हुआ। लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वैसे झंडे के साथ नहीं, मैंने अलग अलग इमोट के साथ भी ट्राई करा है भिड़ू, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और मुझे नहीं लगता बात में इतनी सच्चाई है। एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड। ट्रेनिंग में एडम को चिपक के हेड मारो, जल्दी से नीचे बैठो और जल्दी से खड़े हो जाओ। एडम को हेड मारो, एडम को हेड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, इसको तो देखना पड़ेगा। लो भाई ये चीज को ट्राई करने के लिए हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में अंदर और यहाँ पर एक एडम, दो एडम अपने साइड बाय साइड खड़े हैं। बट नॉर्मली जब अपन इनको हेड मारते हैं तो हेड लगता है, पर अपने को सिट करके हेड मारना है ठीक है। पहले यहाँ पे नॉर्मली हेडशॉट मारा, हेडशॉट लगा। बैठ के उठ के मारने के बाद भाई इसको हेडशॉट नहीं लगता, पहला शॉट बॉडी शॉट लगता है। हाँ यार ध्यान से देखो, जब मैं इसको नॉर्मली हेडशॉट लगाता हूँ तो हेडशॉट लगता है, पर एक बार सिट करके उठने के बाद जो मारता हूँ ना पहला शॉट, इसको बॉडी शॉट लगता है। बात तुम्हारा शॉट कैसा चैन, हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। एफएम नाइफ पकड़ के ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट करो, देखना स्टार्ट नहीं होगा। ये कब से होने लग गया भाई, मुझे नहीं लगता इस बात में कोई भी सच्चाई है। चलो इस चीज को ट्राई करने के लिए मैं पकड़ चुका अपने हाथ पे एफएफ नाइफ। तीन बंदे अपन लोग एक साथ खड़े हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट हो गया। एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड। क्राफ्टलैंड पे ऐसा मैप है जहाँ पे मैप पे जाके ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, समझा नहीं पर देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे क्राफ्टलैंड पे एक ऐसा मैप मिला जहाँ पे अंदर जाने के बाद अपन ट्रेनिंग ग्राउंड का मजा ले सकते हैं। हाँ यार देखो, ये एक ऐसा मोड है जिसमें अपन अंदर आ गए और यहाँ पर देखो ट्रेनिंग ग्राउंड के बोर्ड वगैरह है कि कौन कौन प्लेयर्स हैं, किसने किसको कितना डैमेज दिया। पर ये अपना ट्रेनिंग मोड नहीं है, यहाँ पे अपन बैटल नहीं कर सकते। बैटल करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा बैटल जोन पे। चलो देखो यहाँ पे अपन पहले तो फिस्ट फाइट करके बंदों को खत्म कर चुके हैं और एक बार खत्म करने के बाद देखो मेरा लीडर बोर्ड पे टॉप पे है। अब इस बार ना अपन हाथ से नहीं, अब इस बार अपन गन से मारेंगे ठीक है। लेट्स गो। मैंने ले लिया अपने हाथ पे MP40। चलो 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 काम तो मान। चलो भाई आप लोग भी ट्राई करना, ये मैप का कोड है ये। एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। बरमुडा मैप पे पिक पे लैंड करो, स्टेप 2। पिक के स्विमिंग पूल वाले जगह पे जाओ, स्टेप 3। उसके पास एक दीवाल है, चेक करो, स्टेप 4। बट एक दीवाल सबसे अलग है जिसके पास आपको यूज का ऑप्शन आता है, स्टेप 5। उसे यूज करो और देखो मैजिक। ऐसा कौन सा दीवाल है जिसमें अपने को यूज का ऑप्शन आता है, देखना पड़ेगा। चलो मैं आ चुका हूँ अभी पिक पे और इस वाले जगह पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आ चुका हूँ वही स्विमिंग पूल वाले साइज पे, मतलब सेट पे। पता नहीं कहाँ पे वो यूज का ऑप्शन आता है, इसके लिए मुझे ना आज जो बात जो बिल्कुल देख के चलना पड़ेगा कि एक्चुअली कहाँ पे वो यूज का ऑप्शन आता है। वेट ये क्या है, यहाँ पर यूज का ऑप्शन आया पिक में, भाई ये तो मुझे नहीं पता था सच में। अगर आपको पता होगा तो नीचे मुझे कमेंट बताना, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गधा है ना कुछ भी चीज है। मैं 2-3 मैच में यहाँ पे आया और ट्राई करा, यहाँ पे यूज का ऑप्शन आता है। और सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारे टीममेट्स भी इसको यूज कर सकते हैं। देखो मेरा यूज का ऑप्शन मैंने अभी तक यूज नहीं करा है ठीक है। देखो यहाँ पे यूज का ऑप्शन आ रहा है, देखो मैंने अभी यूज करा और मुझे लूट मिले हैं। भाई क्या बात है, ये जगह सच में बहुत अमेजिंग है भाई। आप लोग भी आना ट्राई करना पिक में। अगर आपके पास कोई भी गन नहीं है ना तो इस वाले जगह पे आना, बस यूज कर देना, आपको अपने लूट मिल जाएंगे। मुझे लगता है सबके लिए सभी एक ही जगह पे होगा। यहाँ पे एक अदृश्य जगह है जहाँ पे मुझे लगता है फ्री फायर में बीच में जो गधा टाइप का आता था उसमें अपन यूज करने से जैसे अपने को चीजें मिलते थे, इस वाले वॉल के पास भी अपने को ऐसे चीजें मिल रहे हैं। और वैसे अगर आपको पता होगा कि फ्री फायर में और कहाँ पे ऐसे इनविजिबल लूट वाले जगह हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट पे जरूर से बताना, क्योंकि एक्चुअली में ये गेम पे अपने को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप 1 रात को 2 बजे गेम खेलो, स्टेप 2 उड़ते हुए चप्पल आएगा और हेडशॉट लगेगा। चलो ट्राई कर ही लेते हैं। अभी बजे है रात के 2 और मैं अपने दोस्त लोगों के साथ खेल रहा हूँ CS क्लैश कॉर्ड मैच और सामने यहाँ पे एक बंदे को मैंने कर दिया नॉक। अरे मम्मी चप्पल।